वेलकम टू स्मार्ट सिटी टेक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड हाँ, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी डिस्कस कराऊंगी, एंड देन जो क्वेश्चन के आंसर नहीं बताऊंगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी इसका आंसर। एंड हाँ, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो इसलिए वीडियो बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए बनाना, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन के आप अच्छे से नोट्स एडिट कर उसे लर्न कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। हमारे इसमें पहला सिलेबस दिया हुआ रहता है जिसमें हमका फ्लेमिंगो चैप्टर होगा, उसमें से ही आपका सारे ये चैप्टर इंक्लूडेड हैं। सो हमारा पहला इसमें चैप्टर दिया हुआ है माई मदर अ पर्सन हुमेन, सेकेंड है ए डिवोटेड सन, थर्ड है द कमिंग होम, फोर्थ है द सॉलिटरी रीपर स्टॉपिंग बाई हुड्स ऑन इनोविंग, लास्ट है हमारा। नेक्स्ट इसमें आएंगे डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स में लिखना, वर्ड फॉर्मेशंस हैं, आइडियम फ्रेजेस हैं, कोऑर्डिनेशन है, सबऑर्डिनेशंस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, राइटिंग बायोग्राफी स्केच लिखनी है, नैरेटिंग लिखनी है, एंड लास्ट में आते हैं हम लोग यूनिट हर में हमें कंप्लीट करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी है जिसमें अनसीन पैसेज आएगा, हम वोकैबुलरी आएगी। नेक्स्ट यूनिट फोर में लेटर एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगी कि किस किस पे आपको लेटर एप्लीकेशन रेडी करनी है, और नेक्स्ट में यूनिट फाइव पे आपको ग्रामर पोर्शन भी बताऊंगी कैसे आपको इसमें कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट पहले हम अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है व्हाई डज द ऑथर शेयर दैट माई प्रेजेंट ऑफर इज़ फार मोर ऑब्जेक्टिव देन इट वॉज देन। इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी, आप यहाँ से क्वेश्चंस को नोट कर लेना ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पे आंसर लिख सको। तो आप इसे नोट करते हुए चलो मेरे साथ। हाउ डी बा बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ हर एल्डर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, ये सारे आपके थ्री चैप्टर्स के जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, एंड देन दो चैप्टर्स के आपके समरी है, एंड कुछ वो दोनों चैप्टर आपके पोएम से रिलेटेड है तो उसमें आपको समरी बोलेगा, एंड नेक्स्ट आपका उसमें अबाउट द पोएम के बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्क्राइब द सीन एट द हॉस्पिटल द राइट ऑर्डर्स फॉर फादर डाइट के बारे में बतानी है आपको। व्हाई डिड द ऑर्डर से बार रिमेन्स टू स्टे एट द सेंटर ऑफ द फैमिली के बारे में बतानी है। इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगी थोड़ी देर में, वीडियो के एंड में आपको मैं वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। सो हाउ डिड मिस्टर वर्मा ट्राई एंड यूज़ हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन फॉर गेटिंग स्वीट्स, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैंने से ये मैंने वीडियो शूट किया है, अदरवाइज मैं बाहर हूँ तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है ये वीडियो शूट करने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वेयर अ फ्यू फीमेल गेस्ट सीन वीपिंग देयर टीयर्स एट राकेश हाई स्कूल सेलिब्रिटी फंक्शंस के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं व्हाई डू यू थिंक फतिक मदर रेडली एग्री टू हर ब्रदर्स प्रपोजल ऑफ टेकिंग फातिह विथ हिम, इसके बारे में आपको बतानी है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक फातिह वॉज अ मिशीव यंग विलेज बॉय, सपोर्ट योर आंसर विथ इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द ऑथर सेज दैट फातिक्स मदर हैड अ पिक्चर प्रोड्यूस अगेंस्ट द बॉय, डू यू अग्री, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ प्लीज़ इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप एक्सप्लेन अच्छे से कर लेना, पढ़ लेना, उसमें कोई भी डाउट मत रखना। अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा तो टेलीग्राम पर तुरंत शेयर करो, मैं आपको तुरंत आंसर बताने वाली हूँ। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 में हमारा दिया हुआ था पोएम दिया है जिसमें आपका पोएम है सॉलिटरी रीपर है, समरी ऑफ द पोएम इसमें लिखा है जो कि इसका आंसर मैं आपको भी बता रही हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है स्टॉपिंग बाय हुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसका भी आपको समरी लिखना है क्योंकि ये भी पोएम था आपका। नेक्स्ट आते हैं देख लेते हैं हमारा इसमें दिया हुआ है स्टॉपिंग बाय हुड्स ऑन अ स्नोवी का समरी देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है द स्पीकर थिंक्स अबाउट हु ओन्स द हुड दैट ही और शी इज़ पासिंग थ्रू एंड इज़ फेयरली श्योर ऑफ नोइंग द लैंड लवर, हाउ एवर द ऑनर्स होम इज़ फार अवे इन द विलेज एंड थस ही इज़ फिजिकली इनकैपेबल ऑफ सीइंग दैट स्पीकर पॉज द वॉच और स्नो फॉल इन द फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लें द स्पीकर थिंक्स हिज आर ऑन हॉर्स मस्ट फाइंड इट स्ट्रेंज टू स्टो सो फार फ्रॉम एनी साइंस ऑफ सिविलाइजेशन, इन डीड दे आर सराउंडेड ओनली बाई द फॉरेस्ट एंड अ फ्रोजन लेक ऑन द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। आप इसका समरी अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लो, चाहे तो आप वीडियो रोको इसे अच्छे से नोट्स करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका समरी। नेक्स्ट देख लेते हैं पूरा इसमें आपको मैंने समरी दो तरीके से बताया है, शॉर्टली बताया एक लॉन्ग में बताया, तो आप इसे पहले आप क्या करना इसके बारे में पहले लिखना कि हमारा रॉबर्ट शॉर्ट ने कैसे बताया था। नेक्स्ट देखिए दिस आर्टिकल दिस स्टॉपिंग
नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसमें पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो आप इसे अच्छे से वीडियो को रोक के नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसमें पोयम का अबाउट द पोयम है ये, आप इसे भी नोट कर लो। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसमें क्या वो दिया हुआ है, सॉलिटरी रिपर में जो फ्रिक्रेटिव आस्क क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया, हो सकता है आपका सेंट्रल आइडिया पूछे या समरी पूछेगा, तो भी आप इंक्लूडेड करके मिक्स करके लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, अबाउट हो गया सॉलिटरी रिपर, सॉलिटरी रिपर के बारे में जैसा चैप्टर 4 में दिया होता है, इसका एनालाइज मैंने पूरा लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना या तो इसे नोट करते हुए चलो। ओके इसलिए मैं स्क्रॉल धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आते हैं इसका थीम्स लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थीम आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। नेक्स्ट आते हैं लेशन ऑफ द समरी, हमारा समरी विलियम वॉर्ड्सवर्थ राइट, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आप इसे ब्लैक पेन से इसे हेडिंग वाइज लिखना, जैसे कि आप आंसर जब भी लिखोगे ना अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप इसे ब्लैक पेन से डिनोटेड करके अंडरलाइन कर देना, ताकि आपको एग्जामिनर आपको बता सके, आप एग्जामिनर को बता सको कि हमारा ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प करता है पूरा मार्क्स पाने के लिए। पोयम ऑफ द समरी है हमारा, इसमें आपको इस अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा स्टैंजा के बारे में, नेक्स्ट इज थर्ड स्टैंजा, पूरा लाइंस को एक्सप्लेन किया है। एंड हाँ, सेक्शन 1 में हमारा ग्रामर और वोकैबुलरी देख लेते हैं, जिसमें हमारा ग्रामर आएगा, आर्टिकल्स पूछेगा, अनकाउंटेबल नाउन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल, कंडीशनल सेंटेंस पूछ सकता है, पैसिव एक्टिव वाइज पूछेगा, प्रीपोजिशन, जेरंड, वर्ब फॉर्मेशन, ये सारे बेसिस पे आप अच्छे से क्वेश्चन को रिपीटेड एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेना। कुछ पीडीएफ मैं शेयर करूँगी टेलीग्राम पर, अब उसे सॉल्व कर लेना, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा उससे आपका। एंड हाँ, आपको मैं आज से भी बताने वाली हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं वोकैबुलरी के बारे में देख लेते हैं, इसमें आपको 30 मार्क्स का वोकैबुलरी नहीं आएगा, सेक्शन में पूरे 30 मार्क्स का ग्रामर आएगा, इसमें आपको 10 मार्क्स का मतलब वोकैबुलरी आएगी, तो वोकैबुलरी आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन बी में हमारा कॉम्प्रिहेंशनशिप आएगी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 25 मार्क्स का होगा टोटल आपका सेक्शन एंड 15 मार्क्स का आपका शॉर्ट आएगा एंड लॉन्ग में आपका अनसीन पैसेज पूछेगा जिसमें आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है सेक्शन सी में आएगी आपका लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में मैंने बताया, अभी मैं आपको उसका एक प्रारूप देने वाली हूँ, फॉर्मल कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं। ओके पहला हमारा अनसीन पैसेज हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें आप देख सकते हो ये पूरा अनसीन पैसेज है, आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड हाँ, इसका क्वेश्चन देखिए नीचे दिया हुआ है, अब इसका क्वेश्चन करो, इसके क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से करो, कैसे आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। ओके आप इसे नोट करते जाओ, इसे सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एंड दो मैंने बताया था, जैसे कि एक रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है, इसमें आप कैसे उन्होंने इंग्लिश के ऊपर अच्छा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसे भी इंक्लूड करके सॉल्व कर लेना, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा एनी डाउट। सो चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, थोड़ा सा वीडियो में नॉइज़ है तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करने में। सो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सेक्शन में, आपको मैं बताने वाली हूँ जैसे आज पेपर, इस पे पूरा आप पैराग्राफ वर्ड 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें डांडी सार्क मार्च है, रिलीजन इन इंडिया है, वैदिक लिटरेचर इन इंडिया, द हिंदू इंटरनेटी के बारे में है, ट्रिनिटी एंड लेटर के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी रिजल्ट, आप TC और CC पे जरूर पढ़ के जाइएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट पर ज़रूर कंप्लीट कर लेना। एंड वीक लिक पे है आपका, वीक लिक पे एप्लीकेशन रेडी कर लो। नेक्स्ट आते हैं फादर पे, जो आपको फादर से रिलेटेड जितने भी लेटर होंगे उसे कंप्लीट कर लेना, बिफोर मैरिज पे कंप्लीट कर लेना, ये सब आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। द हिंदू ट्रिनिटी जैसे कि आपको मैं बताना था। एंड नेक्स्ट है एनिमिटी ऑफ इंडियन आर्ट्स, आर्ट्स एंड इंडियन लाइफ, हिंदू होम्स एंड आर्ट। एंड हाँ, कुछ और इंक्लूड कर दो, कॉलेज लाइफ के बारे में पढ़ लेना, एक कॉलेज लाइफ है उसके बारे में आप कंप्लीट कर लेना। एंड कुछ पिकनिक पे बारे में भी था, उसे भी आप कंप्लीट कर लेना। ओके एंड हाँ, मेरी फेवरेट प्लेस भी आप कंप्लीट कर लेना। ओके फेवरेट प्लेस क्या क्या होता है आपका, वो आपने अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हमारा लेक्चर है कुछ है, इसमें आपका एक्सीडेंट विशिंग हिम ए प्रीडी रिकवरी पे है, रोड के बारे में लेक्स्ट है। नेक्स्ट है फादर एक्सिंग, जैसे फादर के मैंने बताया ना, फादर पे जितने भी लेटर बनते होंगे उसे आप प्लीज़ कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट आते हैं राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटिंग सीकिंग अ सॉल्यूशन योर प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग एरिया, इसके बारे में बतानी है। एजुकेशन लेटर है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, एनी डाउट को। एंड हाँ, आपको मैं उस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ, वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फॉर्मल लेटर्स ज़रूर कंप्लीट करिए, अच्छे से आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। कैसे लिखते हैं मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लो। और हाँ, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। चैनल पर अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डाटा बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्ज़ाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।